बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जौनपुर में बड़ा बदलाव कर दिया है। माया ने यहां से बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को ही दोबारा अपना उम्मीदवार बना दिया है। बता दें कि श्रीकला का टिकट काटे जाने की अटकलें पहले से ही तेज हो रही थी, लेकिन अब सोमवार को इन अटकलों पर बीएसपी ने विराम लगाते हुए अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बीएसपी के उम्मीदवार बदले जाने की पुष्टि वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव के पीआरओ ने की है। पीआरओ ने बताया कि श्याम सिंह यादव के टिकट बीएसपी ने कंफर्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया है, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि बीएसपी की ओर से नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा बीएसपी की ओर से हो सकती है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर धनंजय सिंह और उनकी पत्नी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरतलब है कि बीते दिनों ही श्रीकला सिंह ने अपना नामांकन किया था, हालांकि उसी दिन धनंजय सिंह भी जेल से बाहर आए थे। हालांकि वो नामांकन में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इसके बाद श्रीकला का टिकट काटे जाने की अटकलें थी। अब इन अटकलों पर सोमवार को विराम लगने की संभावना है। बता दें कि पूर्व सांसद व बाहुबली धनंजय सिंह बीते बुधवार को बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हो गए थे। धनंजय सिंह ने जेल से निकलकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी। 2020 में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे जमानत दी है।